और ये किसान जो कर रहे हैं ना इस समय, ये जाति कर रहे हैं। बेशक मैं भी किसान का बेटा हूँ, किसान यूपी के भी हैं, बिहार के भी हैं। सबसे बढ़िया अगर यही बेल्ट कमाकारी, सब समृद्ध हैं, सब अपने घर से राशन पानी लेके आए हैं, सारी लग्जरी फैसिलिटीज अपने गाड़ियों में डाल के आए हैं, और ये कहते हैं हम गरीब हैं, किस तरह गरीब हो। और दूसरी चीज जब आपका सुन लीजिए, बात सुनते रहिए। आपने कहा बहुत बढ़िया, यूपी के किसान बहुत समृद्ध हैं, यूपी पंजाब की बात, आपने यूपी की बात बोली कि यूपी के किसान खा रहे हैं कमा रहे हैं इसलिए प्रदर्शन नहीं कर रहे। यूपी के किसान खा रहे हैं कमा रहे हैं इसलिए प्रदर्शन नहीं कर रहे, बहुत समृद्ध है। उन हालत ये समृद्ध किसानों की हालत ये कि अभी यूपी में उन्होंने घोषणा करी कि हमने 12 करोड़ किसानों के लिए सम्मान निधि की घोषणा करी है। हम उन्हें 2.5 करोड़ उनको शौचालय बना के दिए, उनको पक्के घर, सबसे ज्यादा बीमारू राज्य यूपी कहा जाता था, आज भी यूपी की हालत वही है। 3 लाख करोड़ से ऊपर यूपी के ऊपर कर्जा, 7 लाख करोड़ से ऊपर यूपी के ऊपर सरकार के ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है, और आप कह रहे हैं कि किसान वहाँ के समृद्ध है। अगर वो समृद्ध है तो भाई फिर कि कांग्रेस की सरकार है उनके पास कर्जा नहीं है, वो उनके पास भी कर्जा है, और उनके उनके राज्यों में जो किसानों की हालत है वो बद से बदतर है, लेकिन वहाँ पे नहीं जाएंगे क्योंकि आपने तो देखो आप अपनी बात कह के निकल जाओगे, लेकिन किसानों के ऊपर कानून बनाने की जिम्मेदारी किसकी? केंद्रीय सरकार की ना। केंद्र सरकार कौन है? आपको बताओ, MSP पूरी पूरी किसानों को मिल रही थी, अभी आप जो 11 मांगे रख रहे हो इस समय जायज है, जो चीजें एक साथ पूरी नहीं हो सकती उस पे भी कैबिनेट मंत्री जाके बात कर रहे हैं, ट्रेबल टॉक तो चल रही है। उसके बाद बार बार मांग उठा रहे थे, हर दूसरे महीने में आपकी वो उनकी डिमांड उठा रहे थे, वो हर दूसरे महीने उनके किसान नेताओं के बयान आते थे कि आपने हमसे वादे करे थे पूरे कर दो, आपने हमसे वादे करे पूरे कर दो, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट क्यों नहीं लागू कर रहे? हाँ, तो फिर बिल्कुल सही बात कि लागू हो सकती थी, उन्होंने लागू नहीं करी, तो आपने उन्हीं का तो वादा अपनाया कि उन्होंने लागू नहीं करी, हम लागू करेंगे, इसीलिए आपको सत्ता सौंपी गई थी, तो आज उन वादों पे आप खरा कहाँ उतर रहे हो? ये चीज और आपको बता दूं, 17 साल नेहरू जी बैठे रहे, आप 11 साल इंदिरा जी बैठी रही, 10 साल मनमोहन जी बैठे, और छिटपुट मिला के लगभग 55-56 साल रहे। किसानों की हालत इतनी अगर तुम सुधार सकते थे, तुम्हारे पास पूरा मौका था। आज BJP बैठी है, उसने जिस हद तक MSP लागू किया है आप उसमें संतुष्टि नहीं, उनको भी भड़का के और प्रोपगंडे के तहत उनको लाके बॉर्डर पे बिठा दिया, इससे ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, यहाँ की पब्लिक जो है वो परेशान हो रही है, रोजमर्रा की सारी चीजें महंगी होनी शुरू हो गई। ये क्या ठीक है? तुम कोई देश से लड़ाई लड़ने तो नहीं आ रहे हो ना? अपनी मांगे मनवाना है, कह रहे हो पीसफुल हम प्रोटेक्ट करेंगे, पिछली बार पीसफुल हुआ था, यहाँ भी चढ़ गए थे, इस बार वो कह रहे हैं कि ऐसा है कानून व्यवस्था को बनाए रखना है, तो अगर वो रोक रहे हैं बॉर्डर पे तो उन पे भी पहुंच गए हैं, जो यहाँ के वामपंथी जो विरोधी नेता हैं वो सारे पहुंच गए बॉर्डर पे, क्योंकि उनको एक ये मुद्दा मिल गया, लपक लो, शायद इसी से हमारा 2-4% का भला हो जाए। पीसफुल वो प्रोटेस्ट करेंगे, पीसफुल प्रोटेस्ट करने ही तो आ रहे थे, ये इतनी लंबी लंबी कीले जो सड़कों पे गाड़ी गई है पीसफुल है? जो पूरे पूरे कंक्रीट डाल दिए गए, बैरिकेड लगा दिए, ये और ड्रोन से आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, ये पीसफुल है? ये सरकार के काम है, जब वो आ रहे थे आप आते, उनकी बात सुनते, उसके बाद अगर वो धम्मत आते आप उनकी मांगे मानते, उनकी मांगों का मांगने का आश्वासन आपने पिछली बार भी दिया था, आपने तब भी नहीं मांगी। मैं आपको बार बार मूर्ख बनाता रहूं, भाई साहब मैं आपकी मांगे मान लूंगा, इस बार आप चुप रह जाओ, मैं आपकी मांगे मान लूंगा, चुप रह जाओ, आपका कब तक पेशेंस आपका जवाब नहीं देगा, ये बताइए कौन सी पूरी कर दी? एक भी मांग पूरी करी हो तो बता दो कहां लागू का, क्यों उनको पंजाब का किसान, सुनो पंजाब और कहा जा रहा है क्योंकि फसलों के दाम नहीं तय हो रहे, इस वजह से उनके 60% कर्जा बढ़ गया। उनकी जो मांगे हैं वो 11 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ आ रहा है, तो वो गवर्नमेंट कह रही है हमें समय दो इस चीज पे, हम अब जब तक मंथन नहीं करेंगे हम एकदम से लागू नहीं कर सकते, तो टाइम दे दो आपको, अगर धरना दे के बैठ के टाइम मतलब खड़े पैर ही कराना है, अरे भाई टाइम दो ना सरकार को सोचने का, जो काम इस तरीके से अगर वो आंदोलन करने आ रहे इस तरीके से उनका स्वागत किया जा रहा है कि गोले से कांटे बिछाए जा रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक तरीके एक तरफ सम्मान की बात की जाती है, दिल्ली इतनी बड़ी है नहीं जो चारों तरफ से, जब ये हाईवे से लोग इंटर करेंगे दिल्ली में तो दिल्ली की व्यवस्था क्या होगी, यहाँ की व्यवस्था जो है बिल्कुल ही, तो इसलिए जो है गवर्नमेंट को टेंशन है कि भैया यहाँ अगर ये लोग आ जाते हैं और यहाँ आके बैठ जाते हैं, या दिल्ली में कोई आपराधिक काम करते हैं, इनके पीछे और भी गैंग है, ये अकेले तो नहीं है, इनके पीछे हमेशा आपराधिक तत्व जुड़े रहे, इसका फायदा उठा सकते हैं, उनको आशंका है, वो उनकी अपनी कानून व्यवस्था का वो खतरा है कि भैया अगर ये दिल्ली में गए कुछ उपद्रवी इनके साथ लगे रहे तो बहुत सारी हानि हो सकती है, इसलिए कर रहे हैं, कह रहे बहुत सारे डर है सरकार को कि ये लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, इसीलिए इस तरीके से उनका स्वागत किया जा रहा है, कील लगा। अगर वो आपको डर था, सरकार को डर है, तो आप वहीं के वहीं जाके मंत्रिमंडल क्यों नहीं पहुंचा, उनकी मांगे मान लेते हैं, बात खत्म। आप उन्हें मौका क्यों दे रहे हो किसी भी चीज का? आपकी नजरों में उग्रवादी हैं, आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं, किसी भी किस्म के वो अराजक तत्व हैं, तो आप उन्हें मौका ही क्यों दे रहे हो? उनकी जो जायज मांगे आप उन्हें मांग लो,
लेकिन वो जायज मांग मानने के बदले आप उन्हें उग्रवादी ठहरा रहे हो, खालिस्तानी का तमगा उन्हें पहना रहे हो, आतंकवादी उन्हें बता रहे हो, तोड़फोड़ करने वाले बता रहे हो, उन्हें चोर बता रहे हो। बार बार एक वो ट्विटर पे सारे सोशल मीडिया पे फोटो वायरल हो रही है, 4 करोड़ की मर्सिडीज में बैठा किसान, क्या ये गरीब किसान है? तो किसान का मतलब क्या यही है कि जिसके कपड़े फटे होंगे, जिसे धोती में होगा, चप्पल में होगा, एक पैर में चप्पल नहीं होगी, वही किसान माना जाएगा? क्या किसान को कपड़े पहनने का हक नहीं है? क्या किसान पैंट कमीज नहीं पहन सकता? क्या किसान सूट बूट में नहीं आ सकता? क्या किसान गाड़ी नहीं खरीद सकता? अगर ये सब वो काम नहीं कर सकता तो आप किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किस ब्याप पे कर रहे हो? आप किसानों की समृद्धि का वादा किस ब्याप पे कर रहे हो? और रही बात 4 करोड़ की, अगर उसने मर्सिडीज खरीद ली है किसी किसान ने, मैं कहता हूँ खरीद ली, हालांकि वो फैक्ट चेक में गलत निकला है, वो फोटो कहीं और की कहीं और से उठा के डाली गई है, मैं मानता हूँ कि उसने 4 करोड़ की मर्सिडीज खरीद अपनी मेहनत से खरीदी, गलत काम करके नहीं खरीदी, रिश्वत लेके नहीं खरीदी। और अगर उसने 4 करोड़ की मर्सिडीज खरीद ली है तो क्या उससे उसकी हक की आवाज उठाने का मामला छीन लिया जाएगा? आज मेरे पास 2 लाख रुपए मेरे जेब में मौजूद हैं और मेरी यहाँ 10,000 रुपए की जेब कट जाती है तो क्या मैं रिपोर्ट लिखाने नहीं जाऊंगा? भाई साहब मेरे 10,000 रुपए चोरी हो गए, पुलिस वाला कहेगा नहीं यार तेरे घर में 2 लाख रुपए तो पड़े, तू रिपोर्ट क्यों लिखा रहा भाई? ये कौन सा कानून हुआ? अगले के पास पैसा है, उसने खरीदा, उसकी खेती बाड़ी ज्यादा है, उसने हर चीज अपनी जायज तरीके से ली है, तो क्या वो अपनी जायज मांगे नहीं उठा सकता? इस तरह से तो हर उस आदमी का यहाँ पे खत्म हो जाता है कि जो समृद्ध है। अगर किसी की नौकरी है, उसे 7th पे कमीशन में तनख्वाह नहीं मिल रही, 7th पे कमीशन लागू नहीं हो रहा उसका, तो वो बात ही नहीं उठा सकता कि हमारे लिए 8th पे कमीशन लेके आओ, 6th पे कमीशन के बाद 7th पे कमीशन आने नहीं चाहिए था क्योंकि काम तो उनका उसी में चल रहा था। अगर कोई आदमी अपना 30,000 में खर्चा चला रहा है तो क्या वो ताज जिंदगी अपनी तरक्की के लिए बात ही ना करे कि नहीं तू तो 30,000 कमा रहा है, तेरी तो रोजी रोटी चल रही है, तेरे को आगे बढ़ने का हक ही नहीं है। क्या भाई ये कौन सा लॉजिक हुआ? हाँ ये कौन सा लॉजिक हुआ? आप देखो ऐसा है, ये जो आप कह रहे हो अपने मैनिफेस्टो में लागू करेंगे राहुल गांधी, बोल दिया ना करेंगे। सुनो दूसरी चीज, उन्होंने अग्निवीर के बारे में भी बोला है, अग्निवीर हम कोशिश करेंगे, हमारे हाथ में नहीं है, समझ रहे हो? जब सरकार बन जाती है ना तो वादे पूरे, जब तक वो विपक्ष में बैठी तभी तक वो ढोल पीट रही होती है कि ये कर देंगे वो कर देंगे, जब वो आ जाती है पावर में तो वो धरातल पे वो कभी भी हकीकत में नहीं लाती, कहती भैया इसमें ये अड़चन है वो अड़चन है। मतलब भाजपा भी अपने वादे पूरे नहीं कर पा रही, क्यों? आप सिटी बना देंगे, अच्छे दिन आएंगे, काला धन वापस ले आएंगे, अब वो धरातल पे आ गए तो क्यों उन्होंने इस बात को स्वीकार नहीं करा? हम चाइना की ऐसी तैसी कर देंगे, हम चाइना की ईंट से ईंट बजा देंगे। आज चाइना की ईंट से ईंट बजाने के चपले बदले में आप 46,000 स्क्वायर किलोमीटर अपनी जमीन कब्जाए बैठे हो। हाँ आपने कहीं छोड़ा था कोई कसर? अक्साई चीन इतना बड़ा एरिया दे दिया था, कैलाश मानसरोवर जाना होता है उसके रामोकरण पे, नेहरू जी चाहते तो ये सारे मामले सुलट सकते। उन्होंने जब तुम हारे हुए हो अभी वादे क्यों किए गए जब पूरे नहीं हो रहे? जो वादे जितने, देखो एक बात, विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली गया कि टाइम मशीन बन गई, नहीं बनी ना आज तक टाइम मशीन। आप 60 साल पहले नेहरू जी के पास वापस जा सकते हो, 64 साल पहले जब भारत आजाद हुआ था उस काल में वापस जा सकते हो? नहीं जा सकते ना। उनकी गलतियों से आदमी अपनी गलतियों से सबक सीखता है, और सबसे बढ़िया आदमी वो होता है जो विपक्षी की गलतियों से भी सबक सीखे। हाँ जो वो चले गए, आज आपने कहा कि हम जाने नहीं देंगे, आज आप क्यों जाने दे रहे हो? आज उस बात का जवाब दो, जो पीछे हो गया वो हो गया। मेरे दादाजी की जमीन बहुत बड़ी थी मोदी नगर मेन रोड पे, पूरी की पूरी उन्होंने मंदिर को दान कर दी, मोदी मंदिर है, वहां राय गुजरमल मोदी थे उनको दान कर दी। आज मैं जाके मोदी से लड़ूं? गुजरमल मोदी ललित मोदी जिसका बाप था उससे लड़ूं मैं जाके? ये तो मेरे दादा की जमीन है, मेरे दादा ने दे दी, अब ये गलती का मैं सुधारूं उस चीज को? नहीं सुधार सकता ना, बात खत्म। अब मैं दिल्ली वासी हूँ, बात खत्म, तो वही चीज हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। हाँ मैं चले गए, वो ये कर देंगे वो कर देंगे वो करने वाले हैं, तो भाई साहब एक बात बताओ, वो भी तो करने वाले, अगर सामने वाला है तो इस पे भरोसा रखोगे? अगर कह रहा है तो करेगा। 10 सालों में बहुत सारी, कितनी सारी चीजें पूरी हो गई, आप लिस्ट मांगते हो, डाटा दिखाने लगोगे, वो डाटा देखने का तो वही चीज है ना। रही बात आप एक देख लो, राहुल गांधी के फॉलोवर कितने हैं, कितने मिलियन है, पौने पांच लाख फॉलोवर चोरी है काम की बात। आप एक चीज बताओ, नहीं आप उनको नहीं देखते ना, आप डाटा अपना ले आते हो। अच्छा काम क्या लग रहा है आपको, कितने पूरे हुए? किसका? मोदी जी के। मोदी जी के काम गिनवाने का, देखो रोज गिनवाते हैं, रोज गिन के जाते हैं कितने। अर्थव्यवस्था बढ़िया चल रही है, काहे की बढ़िया चली? मैं यहाँ सड़क पे घूम रहा हूँ, ये जवाब। मैं सड़क पे घूम रहा हूँ, बताइए। मैं सड़क पे घूम रहा हूँ, अर्थव्यवस्था खराब है, अर्थव्यवस्था इसलिए खराब है ये सड़क पे घूम रहा है, ठीक है? अच्छी नहीं लगी ना, कुतर्क अच्छे नहीं लगे? अब यही बात जब जीडीपी और इसकी सबकी बारी, आपने क्या कहा कि राहुल गांधी के फॉलोवर कितने हैं? ये कुतर्क था ना, बस ये कुतर्क था या नहीं था? कुतर्क बुरा लगा तो हम वही बात है कि कुतर्क मत करा करो, तर्क की बात। आदमी अगर हमारे घर में कोई विरोध कर रहा है वो उसकी मेंटालिटी है, वो आपकी अपनी सोच है, हमारी सोच नहीं है, समझ रहो? और मेजोरिटी की सोच जो है अलग है। अगर चंद मुट्ठी भर लोग कहते हैं कि ये खराब है वो खराब है, वो देश की आवाज नहीं है,
वो देश की आवाज नहीं है। आप चार लोग खड़े होकर कह दो कि ये मोदी ने ठीक नहीं किया, या ये करना चाहिए था, ये अभी करना चाहिए था, अभी कर दें, तो वो आप चार लोगों की आवाज सुनने के लिए नहीं है, वो पूरे देश की आवाज बता देते हो। आवाज चाहे चार की हो, चाहे 40 की हो, चाहे 400 की हो, जनता की आवाज जनता की है। और रही बात मेजोरिटी की, आप जिस मेजोरिटी की बात कर रहे हो, मेजोरिटी के नाम पे आज भी बीजेपी का वोट परसेंट 38-37-40 यही है। बाकी 60% जनता अभी भी मोदी जी को सपोर्ट नहीं करती है, वो अलग बात है कि ये 60% वोट बटा हुआ है, ये 60% वोट बटा हुआ है, लेकिन आज भी मेजोरिटी जो है वो बीजेपी को सपोर्ट नहीं करती, वो मोदी सरकार को सपोर्ट नहीं करती। लेकिन आज संख्या बल की वजह से और इन सब दिक्कतों की वजह से आज वो अपनी मनमानी पे उतारू है। सीधी सी बात है, तरक्की बात करो तो तर्क पे आओ।